Hello students, welcome all of you in today's class. Today we are going to learn the summary and question and answers of your second chapter, that is All Men Are Scientists. So let's start with the summary. All Men Are Scientists. ये चैप्टर आपके सिलेबस का सबसे लेंथी चैप्टर है ऑफ अबाउट 6 to 7 पेजेस, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट में समरी प्रिपेयर किया है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद रखने में आसानी हो. सो लेट्स सी हाउ ऑल मैन आर साइंटिस्ट, किस तरीके से हर एक इंसान एक साइंटिस्ट है. साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज नॉट सम काइंड ऑफ ब्लैक आर्ट. जिस तरीके से साइंटिफिक खोज के बारे में हम सोचते हैं कि ये कोई अद्भुत चीज होगी या कोई काला जादू है, नो इट्स नॉट लाइक दैट. द मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ नेसेसरी मोड ऑफ वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड. तो मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को स्टेप बाय स्टेप समझना ही साइंस है. इट इज सिंपली द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल फिनोमेना विथ लॉजिक एंड रीजन. तो हर एक घटना को तर्क के साथ समझना ही साइंस है. द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी मैन एंड अ साइंटिस्ट इज जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन कॉमन वेइंग स्केल एंड अ केमिकल बैलेंस. तो एक सामान्य आदमी और एक वैज्ञानिक में वही अंतर होता है जो कि एक कॉमन वेइंग स्केल, एक सामान्य तराजू और एक केमिकल बैलेंस जो हम लैब में केमिकल्स का वेट करने के लिए यूज करते हैं, उन दोनों के बीच में होता है. दे डोंट डिफर इन मैनर ऑफ वर्किंग. तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों के काम करने की पद्धति में कोई अंतर नहीं है, बट दे डिफर इन डिग्री ओनली. सिर्फ डिग्री का अंतर है कि एक बहुत बारीकी से वेट निकालता है और दूसरा बहुत कम वेट को नहीं निकाल पाता. तो वन इज डन विथ मोर प्रिकॉशन. पहला जो है वो बहुत सावधानी से किया जाता है, इसलिए उसका रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट या ज्यादा सही होता है. एंड इज अफेक्टेड बाय अ स्मॉलर वेट देन द अदर. तो जो केमिकल बैलेंस है वो बहुत कम वजन से भी प्रभावित होता है. साइंस वेरीफाइज बाय एक्सपेरिमेंट बट वी वेरीफाई बाय यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ मैनकाइंड. तो साइंस एक्सपेरिमेंट के द्वारा चीजों को प्रूफ करता है, जबकि एक कॉमन मैन अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कोई कंक्लूजन निकालता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. वी थिंक दैट माइंड ऑफ अ साइंटिस्ट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड डिफरेंटली. जब भी हम किसी साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं तो हमको लगता है कि इनका दिमाग तो हमसे बहुत ज्यादा अलग होगा. बट अवर माइंड ऑल्सो यूजेज द टेरिबल एपरेटस यूज बाई अ साइंटिस्ट. होल लाइफ वी अप्लाई इंडक्शन एंड डिडक्शन द सेम कॉम्प्लेक्स ट्रेन ऑफ रीजनिंग एज अ साइंटिस्ट. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारा दिमाग भी वही सारे मेथड्स को यूज करता है जो एक साइंटिस्ट करता है, लेकिन हमें उसके बारे में एहसास नहीं होता है. तो ये इंडक्शन और डिडक्शन मेथड जो हम हमेशा यूज करते हैं, देखते हैं चलिए कि वो है क्या. इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग इट मीन्स टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल. किसी विशेष एग्जाम्पल को देख कर किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचना. वेयर इज डिडक्टिव मेथड इज जस्ट अपोजिट ऑफ इंडक्टिव इन विच नॉलेज अबाउट थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू आर यूज टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर सिचुएशन. तो डिडक्टिव मेथड में जो भी हमारी सामान्य जानकारी है, सामान्य अनुभव के आधार पर हम किसी विशेष एग्जाम्पल को प्रूफ करते हैं या उसके बारे में अपनी राय रखते हैं. इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया गया है एप्पल का. सपोज वी गो इन अ फ्रूट शॉप और हम वहाँ पर एप्पल टेस्ट करके देखते हैं. तो शॉपकीपर ने हमको एक एप्पल दिया जो कि ग्रीन है और हार्ड है. व्हेन वी टेस्ट दैट एप्पल वी फाइंड दैट इट इज सोर इन टेस्ट, कि वो एप्पल खट्टा है. अब दुकानदार ने हमें दूसरा एप्पल दिया, वो भी ग्रीन कलर का है और हार्ड है. फिर जब हम उसे टेस्ट करते हैं तो फिर हमको पता चलता है कि इट इज अगेन सोर इन टेस्ट. अब जब तीसरी बार शॉपकीपर हमको ऑफर करता है वैसा ही एप्पल, तो हम फट से बोल देते हैं कि नो
ये वाला एप्पल भी खट्टा ही होगा। तो हम एक एप्पल के एग्जाम्पल से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ऑल द हार्ड एंड ग्रीन एप्पल्स आर सोर इन टेस्ट। इन द सेम वे अ साइंटिस्ट ऑल्सो एक्सपोजेस हिज लॉ टू एवरी पॉसिबल कंडीशन। इसी तरीके से एक साइंटिस्ट भी जो भी अपना वो लॉ यानी कि नियम प्रतिपादित करना चाहता है उसको हर एक कंडीशन में हर एक स्थिति में चेक करके देखता है, और वो भी अचानक से नहीं होता, वो जानबूझकर करता है। और जितना ज़्यादा जितने अलग अलग परिस्थितियों में किसी एक्सपेरिमेंट को किया जाता है उसका रिजल्ट उतना ही ज़्यादा सही माना जाता है। अगर हमने एप्पल को, जैसे हमने कहा कि सारे ग्रीन और हार्ड एप्पल्स खट्टे होंगे, अगर हमने अमेरिका में भी वो चीज़ चेक कर ली, इंडिया में भी कर लिया और सारे कंट्रीज में चेक कर लिया, तब हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे कि यस, All the green and hard apples are sour in taste. The train of reasoning we imply was also implied by Newton and Laplace to discover any laws, but the nature of their inquiry was more minute, every step carefully watched so that there may not be any flaw. तो जो ट्रेन ऑफ रीजनिंग, जिस तरीके से तर्क हमने एप्पल के केस में लगाया, उसी तरीके से न्यूटन और लाप्लास जैसे साइंटिस्ट ने भी अपना लॉ, अपना नियम देने के लिए यूज किया। बट डिफरेंस क्या था कि देयर इंक्वायरी, उनकी जो जांच पड़ताल थी, उनकी खोज वॉज मोर माइन्यूट, ज़्यादा सूक्ष्म था। एवरी स्टेप केयरफुली वॉच्ड, हर एक स्टेप को बहुत सावधानी से परीक्षण किया गया, सो दैट देयर मे नॉट बी एनी फ्लॉ, ताकि कोई फ्लॉ या कोई मिस्टेक ना हो। अ फ्लॉ मे नॉट अफेक्ट अवर ऑब्जर्वेशन, बट इन साइंटिफिक इंक्वायरी इवन अ स्मॉल मिस्टेक इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। तो छोटी सी गलती हमारे ऑब्जर्वेशन को भले ज़्यादा प्रभावित ना करे, लेकिन साइंस के एक्सपेरिमेंट को वो प्रभावित कर सकती है, इसके इसलिए वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। Now the hypothesis, hypothesis मतलब होता है परिकल्पना, और एग्जाम में पूछा जाता है what is a hypothesis? So a hypothesis is a guess or proposed explanation about any investigation. किसी भी खोज के पहले किया गया जो guess या अनुमान या फिर proposed explanation, संभावित व्याख्या कि हमारा परिणाम क्या होगा। It is used as a starting point for further investigation. तो investigation के पहले हम कुछ अनुमान लगाते हैं और इसी starting point के आधार पर कार्य शुरू करते हैं। We believe something and we tend to prove it. तो जो हम मानते हैं कि ऐसा होगा उसको हम चेक करने की या वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। इट इज नेसेसरी टू वेरीफाई अ हाइपोथेसिस टू चेक इट्स एक्यूरेसी। अब हाइपोथेसिस को चेक करने की क्या आवश्यकता है, तभी हमें इसकी एक्यूरेसी या सत्यता के बारे में पता चलता है। अ हाइपोथेसिस बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन। तो परीक्षण के पश्चात ही, जांच के बिना कोई भी हाइपोथेसिस लॉ या नियम नहीं बन सकता, इसलिए इसको वेरीफाई करना आवश्यक है। हाइपोथेसिस में भी इल बेस्ड, कई बार हाइपोथेसिस जो है सीमित ज्ञान पर भी आधारित हो सकता है। लाइक सेइंग मून इज मेड अप ऑफ ग्रीन चीज, तो एक सामान्य आदमी है जिसे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो कहता है कि चांद जो है वो ग्रीन कलर के चीज से बना है। बट अ लर्न मैन विथ अ टेलीस्कोप वुड से इट इज कम्पोज्ड ऑफ मटेरियल सिमिलर टू द अर्थ। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी या एक साइंटिस्ट ये कहता है कि चांद भी उसी चीज़ों से मिलकर बना है जिससे हमारी पृथ्वी बनी है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइपोथेसिस ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन एंड अ साइंटिस्ट। The hypothesis based on guess has little value, but the other based on scientific knowledge is of great value. तो चूंकि हमारा hypothesis वो अनुमान पर ही आधारित है, इसलिए उसकी value ज़्यादा नहीं है, जबकि एक scientist की hypothesis चूंकि वो उसके deep knowledge पर आधारित है, इसलिए उसकी value ज़्यादा है।
द वैल्यू ऑफ रिजल्ट, इसके परिणाम की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करती है? पेशेंस विथ विच वेरिफिकेशन इज अप्लाइड टू अ हाइपोथेसिस, कि परिकल्पना को किस तरीके से उसका परीक्षण किया गया, किन परिस्थितियों में किया गया और कितनी बार कितनी सूक्ष्मता से उसकी जांच की गई। लेट्स नाउ प्रोसीड विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर वन, What do you mean by inductive and deductive method of reasoning? तो मैंने आपको समरी में बताया, इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग मीन्स टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल, किसी विशेष एग्जाम्पल को देखकर सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचना, ये इंडक्टिव मेथड है। वेयर इज डिडक्टिव मेथड इज जस्ट अपोजिट ऑफ इंडक्टिव मेथड। इन डिडक्टिव मेथड वी यूज नॉलेज अबाउट थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर सिचुएशन। तो डिडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा जनरल कंक्लूजन है, सामान्य जो हमारा हमारी विचारधारा है, उसके आधार पर हम किसी विशेष एग्जाम्पल को डिफाइन करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग ऑफ अ साइंटिस्ट एंड दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। एक साइंटिस्ट और एक सामान्य आदमी की कार्य प्रणाली में क्या अंतर है? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग ऑफ अ साइंटिस्ट एंड दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल इज दैट ऑफ अ डिग्री ओनली, नॉट ऑफ काइंड। दोनों में डिग्री का बस फर्क है, दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें नहीं है। जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन स्केल एंड अ केमिकल बैलेंस। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जैसा जैसा अंतर एक सामान्य तराजू और केमिकल बैलेंस में होता है, वैसा ही अंतर एक ऑर्डिनरी मैन और साइंटिस्ट के बीच में होता है। देयर मैनर ऑफ वर्किंग इज सेम बट वन इज अफेक्टेड बाई मच स्मॉलर वेट। वर्क इज डन मोर केयरफुली सो इट इज मोर एक्यूरेट। तो दोनों के काम करने का तरीका अलग नहीं है, लेकिन एक जो है बहुत छोटे से वेट से भी प्रभावित हो जाता है, उसी तरीके से एक साइंटिस्ट का जो काम है बहुत छोटी सी गलती से प्रभावित हो जाता है, और साइंटिस्ट का इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा सावधानी से किया जाता है, इसलिए उसका रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट या सही होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ आर हाइपोथेसिस मेड बाय ऑर्डिनरी पीपल, हाउ आर दिस हाइपोथेसिस डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अ साइंटिस्ट। तो एक सामान्य आदमी हाइपोथेसिस या परिकल्पना कैसे बनाता है और वो एक वैज्ञानिक की परिकल्पना से अलग कैसे होता है? तो ऑर्डिनरी पीपल मेक हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस एंड लिमिटेड नॉलेज। सामान्य आदमी अपनी परिकल्पना कैसे तैयार करता है? अपने अनुभव और अपने सीमित ज्ञान के आधार पर। इट इज सिंपली अ गेस, ये सिर्फ एक अनुमान है। वेयर इज हाइपोथेसिस मेड बाय अ साइंटिस्ट डिपेंड्स अपॉन हिज डीप नॉलेज एंड मेनी एक्सपेरिमेंट। जबकि जब कोई वैज्ञानिक अगर परिकल्पना देता है तो वो उसके डीप नॉलेज पर आधारित होता है, उसके एक्सपेरिमेंट पर आधारित होता है, इसीलिए ये संभावना ज़्यादा होती है कि एक साइंटिस्ट की परिकल्पना ज़्यादा सही होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में, व्हाट इज अ हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना क्या है? व्हाई इज इट नेसेसरी दैट वी शुड वेरीफाई अ हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस को चेक करना, वेरीफाई करना, उसकी जांच करना क्यों जरूरी है? तो अ हाइपोथेसिस इज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन और गेस अबाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। किसी भी जांच या खोज के बारे में पहले से जो हम अपना अनुमान लगाते हैं या प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन संभावित व्याख्या करते हैं उसके परिणाम के बारे में, वो परिकल्पना कहलाती है। इट इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और आगे की खोज के लिए इसे स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में यूज किया जाता है। इट इज नेसेसरी टू वेरीफाई अ हाइपोथेसिस टू चेक इट्स एक्यूरेसी। तो हाइपोथेसिस को चेक करना क्यों जरूरी है? तभी हमें इसकी एक्यूरेसी का, सत्यता का पता चलता है। अ हाइपोथेसिस बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन। तो किसी भी हाइपोथेसिस को तब तक
लॉ या नियम नहीं माना जाता जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती या वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। What do you mean by the phrase all men are scientists? क्योंकि ये आपके चैप्टर का टाइटल भी है, so this question is very important. The phrase all men are scientists means that scientific methods are not very different from the methods of common people. तो इसका मतलब ये है कि scientific methods, विज्ञान की जो पद्धतियां हैं, वो सामान्य आदमी के दिमाग के काम करने की पद्धति से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। Just as in our daily life, we make observation and draw conclusion. हम अपनी डेली लाइफ में भी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और उसके आधार पर कंक्लूजन भी निकालते हैं। उसी तरीके से a scientist also study phenomena and draw conclusion. वैज्ञानिक भी कोई भी घटना को देखता है और उसके आधार पर कंक्लूजन निकालता है। द डिफरेंस इज दैट देयर एक्सपेरिमेंट इज नॉट बाई चांस। अंतर क्या है कि वैज्ञानिक का जो एक्सपेरिमेंट है वो अचानक से नहीं होता, इट इज डेलिबरेट, वो जानबूझकर किया जाता है, डन केयरफुली, ज्यादा सावधानी से किया जाता है, एंड हेंस देयर रिजल्ट इज मोर एक्यूरेट, इसलिए उनका रिजल्ट, उनका कंक्लूजन ज्यादा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल यूज द मेथड्स ऑफ साइंस इन हिज डे टू डे लाइफ। तो एक सामान्य आदमी अपनी डेली लाइफ में कैसे साइंटिफिक मेथड को यूज करता है। तो एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल ऑल्सो यूजेज द मेथड्स ऑफ साइंस इन हिज डे टू डे लाइफ दो ही इज अनअवेयर ऑफ दिस। तो हम भी वही मेथड्स को यूज करते हैं भले ही हमको मालूम नहीं होता। जस्ट लाइक इंडक्टिव मेथड ही ड्रॉज जनरल कंक्लूजन फ्रॉम एनी इवेंट। तो इंडक्टिव मेथड की तरह ही किसी भी एक घटना से हम कोई सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं। एंड बाई यूजिंग नॉलेज ऑफ द थिंग्स दैट आर ट्रू इन जनरल ही अंडरस्टैंड पर्टिकुलर सिचुएशन। और किसी चीज के बारे में इन जनरल जो हमें सामान्य जानकारी होती है उसके आधार पर हम किसी विशेष एग्जाम्पल को देखकर उसके बारे में निर्णय लेते हैं। दीज आर कॉल्ड इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ। तो इसे हम इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड बोलते हैं जो हम भी अपनी जिंदगी में हमेशा यूज करते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हाउ आर द मेथड्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अ साइंटिस्ट। एक सामान्य आदमी की कार्य पद्धति एक वैज्ञानिक से किस तरीके से अलग होती है। तो पूरे चैप्टर में ये चीज कई बार आई है कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंस है। तो द मेथड्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ साइंटिस्ट। दोनों की कार्य पद्धति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। देयर इज द डिफरेंस ऑफ डिग्री ओनली, नॉट ऑफ काइंड। दोनों अलग अलग प्रकार के नहीं हैं। अ साइंटिस्ट डज हिज एक्सपेरिमेंट विथ ग्रेट केयर, टेक्स मोर प्रिकॉशन, एंड इवन अ स्मॉल मिस्टेक विच वी जनरली इग्नोर इज ऑल्सो ऑफ ग्रेट वैल्यू फॉर हिम। तो साइंटिस्ट जो है अपना एक्सपेरिमेंट बहुत सावधानी से करता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, और एक छोटा सा मिस्टेक भी जिसे हम इग्नोर कर जाते हैं वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी उसके रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड दो दिस चैप्टर इज वेरी लेंदी, इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम यूर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड स्टूडेंट्स, thanks very much for watching this video patiently, and keep watching the next videos for your next chapters. Okay, thank you.